हरे कृष्णा। बृहद नारदीय पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भगीरथ से कहते हैं, संपूज्य गंध कुसुमय विष्णु विष्णु तिथौ नृपः जन्मायुताज तैर्पापैर्मुक्तो व्रजति तत्पदम्। अर्थात हे नृप, जो विष्णु तिथि यानी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह हजार जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। इसी बृहद नारदीय पुराण में ऋषि वशिष्ठ भी राजा मांधाता से कहते हैं, अपोषणात् सत्कृत देवी विनश्यन्ति अधराशयः एकतः पृथ्वी दानम् एकतो हरिवासरम्। अर्थात एक ओर पृथ्वी दान और दूसरी ओर हरिवासर यानी एकादशी को रख दीजिए तो हरिवासर का पुण्य पृथ्वी दान से कहीं अधिक हो जाएगा। हमारे अनेक पुराणों और ग्रंथों में एकादशी व्रत की महिमा का सुस्पष्ट रूप से गान किया गया है। ये सभी शास्त्र एक स्वर में एकादशी व्रत की सर्वोपरिता को स्थापित करते हैं। एकादशी तिथि परम भगवान श्री पुरुषोत्तम की अत्यंत प्रिय है और यदि आप संपूर्ण वर्ष में अन्य कोई भी व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत पालन से अन्य सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप ही मिल जाता है। तो ऐसे ही भगवान की परम वल्लभा एकादशी तिथि यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी, ये एकादशी तिथि अत्यंत विशेष है क्योंकि ये चातुर्मास और उसमें भी कार्तिक मास के अत्यंत पवित्र समय में आ रही है। रमा एकादशी के विषय में कहा जाता है कि ये एकादशी तिथि मनुष्य के पूर्व और वर्तमान सभी जन्मों के पापों का नाश करने वाली और परम आध्यात्मिक गति प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के महात्म्य और कथा का मात्र श्रवण करने पर भी व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए अब ऐसी ही परम पावनी रमा एकादशी से संलग्न एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और उसका महत्व क्या है, कृपया विस्तार से बताइए। इसके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, कार्तिक मास के पवित्र महीने में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम है रमा एकादशी। ये एकादशी अत्यंत मंगलमय और समस्त पापों का नाश करने वाली है और इस एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। अनेक वर्षों पूर्व भारतवर्ष में मुचुकंद नामक एक राजा थे जो कि अत्यंत शक्तिशाली और इंद्र, वरुण, विभीषण, यमराज इत्यादि के मित्र थे। इसके साथ ही वह परम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त भी थे। समस्त वैदिक नियमों का पालन करते हुए वे हमेशा भगवान की भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते थे और यही कारण था कि उसके राज्य में सुख समृद्धि और शांति का नित्य वास था। राजा मुचुकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभना से करवाया गया था। एक दिन चंद्रभागा अपने पति शोभना के साथ अपने पिता मुचुकुंद के घर आई हुई थी। कुछ ही दिनों में एकादशी तिथि आने वाली थी और ये सोचकर चंद्रभागा अत्यंत चिंतित हो रही थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता मुचुकुंद के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति एकादशी व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, लेकिन उसके पति शोभना शारीरिक रूप से अशक्त थे। उनके लिए एकादशी में संपूर्ण उपवास का पालन करना असंभव था। तो अब उपाय क्या है? बस यही सोचते हुए उसने अपने पति शोभना से कहा, हे पतिदेव, मेरे पिता के राज्य में एकादशी का इतना कठोरता से पालन किया जाता है कि उस दिन घोड़े और हाथियों को भी अन्न जल नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में आप यहाँ कैसे रह सकते हैं? क्योंकि आपके लिए अन्न और जल का त्याग करके संपूर्ण दिन और रात्रि निकालना असंभव है, इसलिए कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए अथवा कोई और उपाय सोचिए जिससे इस संकट से हम बच सकें। चंद्रभागा की बात सुनकर शोभना ने कहा, हे प्रिय, मैंने निर्णय ले लिया है। परम भगवान श्री हरि की इस एकादशी तिथि का मैं अनादर नहीं कर सकता, इसलिए मैं यथाशक्ति इसका पालन करूंगा और बाकी भगवान की जैसी इच्छा। अपने वचन अनुसार शोभना अगले दिन एकादशी व्रत का पालन करने के लिए तैयार हो गया। संपूर्ण दिन में अन्य जल का त्याग करके वह अस्वस्थ होने लगा था, लेकिन दिन तो किसी तरह निकल गया। अब बारी थी रात्रि की। रात्रि के समय सभी लोग जागरण करके हरि कथा और कीर्तन कर रहे थे, लेकिन शोभना के लिए ये समय
काल रात्रि साबित हुआ। आखिरकार उसके शरीर ने जवाब दे दिया और द्वादशी का सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण राज्य में शोक का वातावरण छा गया। राजा मुचुकुंद ने शोभना का अंतिम संस्कार करवाया लेकिन अपनी पुत्री को वहां न जाने का आदेश दिया। अब चंद्रभागा अपने पति के विरह में शुद्धता का पालन करते हुए पिता के घर में रहने लगी। शोभना की मृत्यु एकादशी का पालन करने से हुई थी और इस वजह से अगले जन्म में वह मंदराचल के शिखर पर स्थित राज्य का राजा बना। देवनगरी के समान इस राज्य की दीवारें रत्न जड़ित थी और जब वह उस भव्य सिंहासन पर आरूढ़ होता तो दूसरे इंद्र जैसा लगता था। अब एक दिन विचित्र घटना हुई। राजा मुचुकुंद के राज्य का सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण विचरण करते करते इस मंदराचल नगरी में आ पहुंचा। वहाँ उसने सिंहासन पर बैठे हुए राजा को देखा तो उसे लगा कि ये तो राजकुमारी चंद्रभागा का पति शोभना है। अब वह धीरे धीरे राजा के पास जाने लगा। उतने में ही राजा स्वयं उठकर उसके पास आए और ब्राह्मण देव को प्रणाम किया। ब्राह्मण को अधिक आश्चर्य तब हुआ जब राजा ने अपने श्वसुर राजा मुचुकुंद और अपनी पत्नी चंद्रभागा के क्षेम कुशल के विषय में उस ब्राह्मण से पूछा। अब ये सुनकर ब्राह्मण और ज्यादा आश्चर्य में डूब गया। ब्राह्मण ने दोनों के क्षेम कुशल के विषय में बताया लेकिन अब उसके मन में जिज्ञासा भी थी कि जिस शोभना का अंतिम संस्कार हो चुका था वो यहाँ कैसे। तो इसका समाधान करते हुए पूर्व जन्म के शोभना ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, क्योंकि मेरी मृत्यु एकादशी का पालन करने से और द्वादशी के दिन हुई थी इसलिए मुझे ये ऐश्वर्य संपन्न नगर प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं इस एकादशी का पालन श्रद्धा रहित होकर कर रहा था इसलिए मेरा ये ऐश्वर्य अस्थाई भी है। कभी भी इस राज्य का अंत हो सकता है। इसे स्थायी करने का केवल एक ही उपाय है और वो है यदि आप मेरी पत्नी को स्थान और मेरे विषय में बताएंगे तो वह अवश्य ही इसे स्थायी करने का कोई उपाय ढूंढ सकती है। राजा की बात सुनकर वह ब्राह्मण अविलंब राजा मुचुकुंद के महल में गया और उसने राजा तथा चंद्रभागा को सारा वृत्तांत कह सुनाया। अत्यंत हर्षित होकर चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा लेकर उसी क्षण अपने पति से मिलने के लिए ब्राह्मण के साथ निकल पड़ी। मंदराचल की तलहटी में ऋषि वामदेव का आश्रम था। चंद्रभागा ने वहां पहुंचकर ऋषि को प्रणाम किया और अपनी कथा कह सुनाई। ऋषि ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी तपस्या के प्रभाव से पवित्र जल उस पर छिड़का तो चंद्रभागा का शरीर दिव्य बन गया और उसे अनेक एकादशियों का फल प्राप्त हुआ। पर्वत के शिखर पर जैसे ही चंद्रभागा अपने पति से मिली तो उसने अपना एकादशी का आधा फल अपने पति को अर्पित कर दिया और इस प्रकार शोभना का राज्य ऐश्वर्य स्थायी हो गया। दोनों ही पति पत्नी ने अत्यंत प्रसन्नता और सुख पूर्वक अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का पालन करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और परम आध्यात्मिक गति भी प्राप्त करता है। तो ये थी आज की रमा एकादशी व्रत कथा। इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए और हाँ, याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हम आपको प्रत्येक दिन वैदिक शास्त्रों से प्रमाणभूत कथाएं ही सुनाते हैं बिना किसी मिलावट के। इसलिए शुद्ध ज्ञान लीजिए और शुद्ध भक्तिमय सेवा कीजिए, यही हमारा आपसे निवेदन है। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार इन वैदिक शिक्षाओं की हमारे समाज को सच में जरूरत है और आप भी इस शुभ कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके द्वारा दी गई लक्ष्मी से हम आने वाले हमारे वैदिक कथाओं के प्रोजेक्ट्स को सुचारू रूप से चला पाएंगे और इसके साथ साथ वैदिक ज्ञान के प्रचार का पुण्य फल आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए इस रमा एकादशी के सुवर्ण अवसर पर हम परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति, सद्बुद्धि और प्रामाणिक साधु संग प्रदान करें जिससे कि हम अपनी भक्ति रूपी लता को विकसित करके उसे परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर सकें। हरे कृष्णा।